रहमान रहीम, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इंटेगमेंट्री फिजिकल थेरेपी का टॉपिक का नाम है वोंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस। अ चैलेंज फॉर क्लिनिशियंस, वी कैन नो लॉन्गर केयर ओनली फॉर द वोंड इटसेल्फ। वी स्टेप बैक एंड लुक एट द इंटायर ह्यूमन बीइंग हु हैपेंस टू हैव अ वोंड विच दैट नीड्स हीलिंग। Being able to differentiate among various treatment options, when and how to apply them, in what combination and when to change them as needed, has indeed become both an art and science. ये तो पीछे हमें background ही बताया गया है कि कोई भी wound है तो हम उस time तक उसको treat नहीं कर सकते जब तक कि हमें history का नहीं पता होगा, background का नहीं पता होगा, कौन कौन से treatment options हैं, कौन से options को हम combination में use कर सकते हैं, कब और कैसे apply करेंगे और इनके outcomes क्या मिलेंगे। Provide quality care for the wound patients starts with an analysis of the patient's individualized wound assessment and continues with developing a plan of care, selecting the proper product and re-evaluating the plan of care as appropriate. ये मेन स्टेप्स होते हैं जब भी हम ट्रीट करते हैं वोंड को। सबसे पहले तो हमने हर वोंड की असेसमेंट करनी है, फिर असेसमेंट के बेस पे प्लान ऑफ केयर हमने डिवेलप करना है अकॉर्डिंग टू पेशेंट, और सेकंड जब प्लान ऑफ केयर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसकी री एवेल्युएशन करनी है प्लान की, कि हमें आउटकम्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, प्रोग्नोसिस ठीक है हमारा या नहीं, नहीं तो हम पेशेंट के अकॉर्डिंग उसको दोबारा प्लान ऑफ केयर को मॉडिफाई कर लेंगे। वोंड ड्रेसिंग कैन प्रेजेंट अ चैलेंजिंग डिसीजन फॉर द क्लिनिशियंस। मॉइस्ट वोंड हीलिंग, मॉइस्चर बैलेंस ड्रेसिंग एंड सर्टेनली द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमल वोंड इंटरवेंशंस आर की कॉन्सेप्ट नीडेड टू सपोर्ट द हीलिंग प्रोसेस। एज क्लिनिशियंस ट्राई टू हील वोंड फास्टर, द मार्केट प्लेस कंटिन्यूस टू प्रोवाइड मैनी मोर ट्रीटमेंट ट्राइज। करेंटली देयर आर रिपोर्टेड मोर देन 500 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग अवेलेबल टू मैनेज पेशेंट्स विद वोंड्स। क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग्स मार्केट में अवेलेबल है, मोर देन 500, तो ड्रेसिंग को डिसाइड करना कौन सी ड्रेसिंग हम किस वोंड पे अप्लाई करेंगे ये एक चैलेंज बन चुका है। मॉइस्ट वोंड हीलिंग के लिए हम वही मॉइस्चर बैलेंस ड्रेसिंग यूज़ करते हैं मोस्टली, ताकि जो वोंड है वो मैसिरेशन ना हो, सराउंडिंग स्किन की मैसिरेशन ना हो, वो फर्दर जो है पुअर कंडीशन में ना चेंज हो। मोस्ट वोंड हीलिंग द वोंड केयर रेवोल्यूशन इज ड्यू टू डॉक्टर विंटर्स डिस्कवरी ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मोस्ट वोंड हीलिंग इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल। हिनमैन एंड द मैबिक पैरेलल्ड दीज फाइंडिंग्स ऑफ द फास्टर रिसर्फेसिंग इन द पार्शियल थिकनेस वोंड ह्यूमंस। द कंसेप्ट ऑफ मोस्ट वोंड हीलिंग एंड मॉइस्चर बैलेंस ड्रेसिंग इज नाउ कॉमनली एक्सेप्टेड। अगर फुली हमारे पास ड्राई वोंड होगा तो उसकी हीलिंग नहीं हो सकती, हमें थोड़ी सी मॉइस्चर चाहिए होती है ताकि हीलिंग हो सके। तो ये इंटरवेंशन सबसे पहले डिस्कवरी डॉक्टर विंटर्स ने की थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट ये एनिमल्स पे हुआ था, बाद में ये ह्यूमंस पे अप्लाई हुआ है। नाउ वी नाउ अंडरस्टैंड दैट द वोंड हीलिंग मस्ट टेक प्लेस इन अ मॉइस्ट एनवायरनमेंट। एपिथेलियल सेल्स रिक्वायर मॉइस्चर टू माइग्रेट फ्रॉम वोंड एजेस टू री एपिथेलियलाइज और रिसर्फेस द वोंड। दिस प्रोसेस इज लिंक्ड टू द लीप फ्रॉगिंग ऑफ द सेल्स। अब हमें मॉइस्चर क्यों चाहिए होता है वोंड हीलिंग के लिए, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो माइग्रेट करते हैं टूवर्ड्स सर्फिस और रिसर्फेसिंग फिर करते हैं, रीएपिथेलियलाइजेशन काज करेंगे। ये प्रोसेस सेम वैसे ही है जैसे लीप फ्रॉगिंग होती है सेल्स की। इन ड्राई वोंड्स दीज सेल्स हैव टू बरो डाउन अंडर नीथ द वोंड बेड टू फाइंड अ मॉइस्ट एरिया अपॉन विच टू मार्च आर मूव फॉरवर्ड। लेकिन ड्राई वोंड में ये माइग्रेशन नहीं पॉसिबल सेल्स की, इसलिए ड्राई वोंड्स की जो रिसर्फेसिंग होती है वो स्लो होगी। इस पिक्चर में कंपेयर किया हुआ है ड्राई वोंड वर्सेस मॉइस्ट वोंड, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मॉइस्ट में सेल्स जो हैं वो माइग्रेट होकर सरफेस पे आ रही है, वहाँ पे रीसर्फेसिंग जो है वो इजीली हो रही है और फास्टली हो रही है। लेकिन ड्राई में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो
वही अंडर दी सेल्स हैं वो फूल बेड में ही हैं क्योंकि वो बरो हुए हुए हैं, उनकी माइग्रेशन पॉसिबल नहीं है। वुंड्स ड्रेसिंग्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन स्टिमुलेटिंग सेल प्रोलिफरेशन एंड इनकरेजिंग एपिथेलियल सेल्स टू माइग्रेट। मॉइस्चर बैलेंस्ड आर मॉइस्चर रिटेंटिव ड्रेसिंग आल्सो एक्ट एज बैरियर अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड एब्जॉर्ब एक्सेस वुंड फ्लूइड क्रिएटिंग अपॉर्चून कंडीशंस फॉर द हीलिंग। ड्रेसिंग प्रमोट रैपिड हीलिंग एक्ट एज बैरियर डिक्रीज आर एलिमिनेट पेन रिक्वायर फीवर चेंजेस प्रोवाइड ऑटोलाइटिक डिब्राइटमेंट एंड कैन कॉस्ट इफेक्टिव इफ़ यूज्ड अप्रोप्रिएटली। ये तो वही चीज़ें हैं, जब भी हम वुंड ड्रेसिंग अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से सेल्स की प्रोलिफरेशन स्टिमुलेट होगी और एपिथेलियलाइजेशन जो है वो स्टिमुलेट होगी। मॉइस्चर बैलेंस मेंटेन करने के लिए हम रिटेंटिव ड्रेसिंग यूज़ करते हैं। मॉइस्चर रिटेंटिव ड्रेसिंग, एक तो इनका फंक्शन नाम से पता चल रहा है, ये मॉइस्चर को बैलेंस करेंगे। सेकेंड एक्ट एज बैरियर, बैरियर अगेंस्ट बैक्टीरिया और एक्सेसिव फ्लूड को एब्जॉर्ब करेंगी जिसकी वजह से ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोड्यूस होंगी हीलिंग के लिए। इसके अलावा कोई भी ड्रेसिंग जो हम यूज़ करते हैं वो रैपिड हीलिंग कास्ट करती है, एज अ बैरियर वर्क करती है, पेन एलिमिनेट करती है। अगर हम इसकी फर्दर मॉडिफिकेशन थोड़ी सी कर लें तो ऑटोलाइटिक डिब्राइटमेंट के तौर पर भी हम ड्रेसिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। डिस्पाइट द बेनिफिट ऑफ न्यूअर ड्रेसिंग प्रोडक्ट्स वेट टू ड्राई गाज इज स्टिल पॉपुलर। सेलाइन गाज ड्रेसिंग एक्ट एज एन ऑस्मोटिक ड्रेसिंग, एज वाटर एवेपोरेट फ्रॉम द सेलाइन ड्रेसिंग इट बिकम्स हाइपरटोनिक बिकॉज द बॉडी वॉन्ट्स टू मेनटेन होम्योस्टेसिस बाय री एस्टेब्लिशिंग आइसोटोनिसिटी वोंट बी ड्रॉन इनटू द गाज ड्रेसिंग। सेलाइन ड्रेसिंग में क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, गाज इनके अंदर ही सॉल्ट होगा, तो ये ऑस्मोटिक ड्रेसिंग्स हैं। जितना भी एक्सेसिव फ्लूइड होगा वुंड बेड में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा सेलाइन गाज ड्रेसिंग में। पेन एट द ड्रेसिंग रिमूवल इज फ्रीक्वेंट कंप्लेन हर्ड बाय द पेशेंट्स हुज गाज ड्रेसिंग हैज़ ड्राइड इनटू देयर वुंड्स। गाज ड्रेसिंग का जो एक ड्रॉबैक है कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्राई हो जाती है, ड्राई होती है तो ये एडहेसिव हो जाती है, वुंड के साथ चिपक जाती है, जब हम रिमूव करते हैं तो पेन होता है। क्लिनिशियन यूज ड्रेसिंग दैट मिनिमाइज पेन एंड ट्रॉमा ड्यूरिंग द एप्लीकेशन एंड रिमूवल। गाज ड्रेसिंग डोंट प्रेजेंट अ बैरियर टू द बैक्टीरिया, ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। पहला ड्रॉबैक पेन का, जो सेकेंड डोंट एक्ट एज बैरियर। वंस द गाज इज मॉइस्टेंड इट इवन लेस इफेक्टिव एज बैरियर अगेंस्ट बैक्टीरिया। Infection rates are higher in wounds in which gauze is used as compared with the wounds that are covered with the transparent films or hydrocolloids. क्यों, जब हम films, transparent films या hydrocolloids use करते हैं वो barrier के तौर पर काम करते हैं क्योंकि उनमें antimicrobial properties होती हैं, लेकिन gauze में antimicrobial कोई property नहीं है। Successful wound healing depends on maintaining a moist environment. A balanced moist wound environment facilitates cellular growth and collagen proliferation within a healthy non-cellular matrix. The right balance of moisture is critical to wound healing. Too much moisture in the wound bed can impair the healing process, damage surrounding skin and cause peri-wound maceration. Excess moisture must be managed with an appropriate wound dressing, thereby preventing further tissue destruction and deterioration of the wound bed. Right balance of moisture जो है वो critical होता है wound healing के लिए। अगर तो maceration ज़्यादा है तो उसकी वजह से wound bed वो damage हो सकता है, healing process impair होगा, surrounding skin वो damage होगी और peri wound area जो है वो maceration में change हो जाएगा, macerated हो जाएगा। तो excessive moisture को हम कैसे manage करेंगे, by selecting appropriate wound dressing। और second हम prevent करते हैं कि tissue destruction ना हो और wound bed जो है वो damage ना हो। फिल्म एंड हाइड्रोकोलाइड्स, ये भी हमारे पास ड्रेसिंग की टाइप्स हैं, वर अमंग द फर्स्ट ड्रेसिंग मटेरियल दैट कुड मेंटेन अ मॉइस्ट वुंड हीलिंग एनवायरनमेंट।
फिलामेंट हाइड्रोकोलाइड्स में एक तो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, सेकंड प्रॉपर्टी इनकी होती है कि ये एब्जॉर्बेंट हैं। जितना भी एक्सेसिव फ्लूइड होगा वॉन्ड बेड में ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं। दे एक्युमुलेशन ऑफ द लाइट ग्रीनिश येलो फ्लूइड सी कलेक्टिंग अंडर द फिल्म ड्रेसिंग हैज कास्ट अस टू रीलर्न दैट वी लर्न व्हाट इज अ नॉर्मल एक्सपेक्टेशन इन अ healing wound. Even the different nouns of the wound order has been cause for new learning. For example, different orders occurs a wound fluid interact with the different dressing material. इसमें बताया हुआ है कि जब भी हम फिल्म ड्रेसिंग यूज़ करते हैं तो फिल्म ड्रेसिंग के यूज़ करने से हमें लाइट ग्रीनिश येलो कलर का फ्लूइड नज़र आता है। ये क्यों? क्योंकि ड्रेसिंग का जो मटेरियल होता है, ड्रेसिंग की कंपोजिशन में जो जो मटेरियल यूज़ होता है वो इंटरफेयर करता है वॉन्ड के मटेरियल के साथ, जिसकी वजह से इस फ्लूइड का कलर लाइट ग्रीनिश येलो हो जाता है। तो इससे हम ये नहीं कहेंगे कि इन्फेक्शन हुआ हुआ है, क्योंकि ये नॉर्मल कलर होता है ड्रेसिंग अप्लाई करने की वजह से। और सेकंड चीज़ बताई हुई है, एक तो कलर की बात हो गई, सेकंड है कि डिफरेंट ऑर्डर्स जो होती हैं, डिफरेंट स्मेल्स जो होती हैं वो भी हमें मिल सकती हैं डिफरेंट ड्रेसिंग के यूज़ करने की वजह से। तो हमें इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी स्मेल और कौन सा कलर इन्फेक्शन है और कौन सा कलर प्लस स्मेल जो है वो ड्यू टू ड्रेसिंग है। लाजमी नहीं है कि ग्रीनिश येलो कलर या वॉन्ड स्मेल अगर है तो वो वॉन्ड इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगी। अ वॉन्ड बीइंग ट्रीटेड विद द ओरिजिनेट ड्रेसिंग विच आर मेड फ्रॉम द सी बीट में स्मेल लाइक द लोटाइट। अब यहाँ एग्जांपल भी बता दी गई है, एलिजिनेट ड्रेसिंग, सिल्वर एलिजिनेट ड्रेसिंग मोस्टली हम यूज़ करते हैं जिनकी कंपोजिशन में सी वीड यूज़ होती हैं, तो इनसे लो टाइट स्मेल होती हैं। द न्यू जनरेशन ऑफ द मॉइस्चर बैलेंस ड्रेसिंग कैन मेंटेन द राइट एनवायरनमेंट कंडूसिव टू द वाउंड हीलिंग। दीज ड्रेसिंग मे हैव एक्लूसिव, सेमी एक्लूसिव, एब्जॉर्प्टिव, हाइड्रेटिंग, ऑटोलाइटिक, डिब्राइडिंग आर दी हीमोस्टेटिक करेक्टरिस्टिक्स। ट्रीटमेंट डिसीजन है हमारे पास, द मिरियड ऑफ द प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर द वाउंड केयर हैव इन्हेंस्ड द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट्स बट दे हैव आल्सो क्रिएटेड कन्फ्यूजन अबाउट सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट। बहुत ज़्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वॉन्ड केयर के लिए, तो इसलिए इनकी सिलेक्शन में कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट होगा। ऑप्टिमल वॉन्ड इंटरवेंशन शुड बी डिपेंडेंट ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वॉन्ड केयर, अटेंटिव वॉन्ड असेसमेंट एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स। अ कम्प्लीट वॉन्ड असेसमेंट शुड बी ड्राइविंग एलिमेंट इन ऑल ट्रीटमेंट डिसीजन। वॉन्ड ट्रीटमेंट डिसीजन मस्ट बी पेशेंट सेंटर्ड। लोकल वॉन्ड केयर स्टार्ट्स विद अ थॉरो असेसमेंट ऑफ द वॉन्ड एंड कम्प्रीहेंसिव कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट द पेशेंट्स ओवरऑल स्टेटस। Once a thorough individual wound assessment is complete, choosing dressing and treatment becomes a clinical decision that is mutually arrived at the patient based on the data collected during the assessment and the overall expected outcomes. वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है, पहले आपने असेसमेंट करनी है, जो जो फाइंडिंग आपको असेसमेंट में मिलेंगी उन्हीं फाइंडिंग की बेसिस पे आपने ड्रेसिंग की सिलेक्शन करनी है, क्योंकि फाइंडिंग की बेस पर ही हम अपने आउटकम्स, गोल्स, शॉर्ट टर्म्स गोल, लॉन्ग टर्म गोल्स वो सेट कर लेती हैं। ट्रीटमेंट गोल्स में एम टू अचीव अ क्लीन वॉन्ड। अब ये डिफरेंट गोल्स हैं हमारे, अचीव क्लीन वॉन्ड, क्लीन वॉन्ड है हील द वॉन्ड, मेंटेन अ क्लीन वॉन्ड बेड और प्लेस द पेशेंट इन एन अदर सेटिंग टू कंटिन्यू केयर। The goal of care then becomes using the right product on the right wound on the right time. Right product right wound पे apply करना है और right time पे, तभी हमें goals achieve होंगे। For example, a granular non-draining moist or the wet wound needs to maintain a moisture balance that is conducive to the healing. The primary dressing choice would be a product that maintain a moist environment, does not cause maceration or the desiccation of the wound bed. Maceration वही excessive हमारे पास moisture होता है और desiccation dry wound को कहते हैं।
The goal of tracing selection for a narcotic draining wound is to loosen or soften the scar for a surgical debridement or to assist in autolytic debridement of the wound, absorb the excess exudate and prevent trauma to the surrounding tissue. प्रैक्टिस पॉइंट्स हैं हमारे, इफ़ दी वुंड इज़ ड्राई, ड्राई वुंड है तो हम मॉइस्चर ऐड करेंगे, अगर इफ़ दी वुंड हैज़ ड्रेनेज, अगर तो उससे ड्रेन वुंड ड्रेन कर रहा है तो हम इस एक्सेसिव फ्लूड को एब्जॉर्ब करेंगे, इफ़ वुंड हैज़ नेक्रोटिक टिश्यू तो हम इसको डिब्राइड करेंगे। ये हमारे पास फ्लो चार्ट है, बुक में ही दिया हुआ है, वुंड केयर डिसीजन एल्गोरिदम है, वुंड या अल्सर है उसका इन्फेक्शन वुंड का हुआ हुआ है तो हम एंटी माइक्रोबियल्स देंगे। अब एंटी माइक्रोबियल्स जब हम देंगे तो दो तरह का वुंड हो सकता है कि वुंड के अंदर ग्रेनुलर टिश्यूज़ होंगे या फिर नेक्रोटिक टिश्यूज़ होंगे। अगर तो ग्रेनुलर टिश्यूज़ हैं तो हम देंगे पार्शियल एंड फुल थिकनेस ड्रेसिंग। एंटी माइक्रोबियल्स तो दोनों में ही देंगे ना, क्योंकि इन्फेक्शन है। अब हम नेक्स्ट दो में डिवाइड कर रहे हैं कि जो इन्फेक्शन है वो ग्रेनुलर स्टेज पे है या फिर नेक्रोटिक पे है। अगर तो ग्रेनुलर पे है तो फिर हम पार्शियल एंड फुल थिकनेस वुंड होगा ये, जिसमें हम वुंड को ड्रेन भी कर सकते हैं या फिर नॉन ड्रेन। नॉन ड्रेन ड्रेसिंग में हम ट्रांसपेरेंट को हाइड्रोक्लाइड, हाइड्रोजेल्स, कैम्पोसाइट, ग्रोथ फैक्टर और गाज ये ड्रेसिंग यूज़ करेंगे। और अगर ड्रेनिंग है वुंड, उससे फ्लूड जो है एक्सुडेट जो है वो रिलीज हो रहा है तो फिर फोम है, कैल्शियम एरिजिनेट है, हाइड्रोक्लोराइड है, कंपोसाइट, कोलेजन, गाज ये ड्रेसिंग यूज़ करेंगे। अगर इन दोनों से भी कोई इफेक्ट नहीं मिल रहा वुंड हीलिंग में तो फिर हम टिश्यू इंजीनियर्ड स्किन सब्स्टिट्यूट्स जो हैं वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम ये डिस्कस भी करेंगे टिश्यू इंजीनियर्ड स्किन सब्स्टिट्यूट्स, इसके दो टाइप्स आगे बताई हुई हैं। सेकेंड है इन्फेक्शन जो है वो नेक्रोटिक टिश्यूज़ के साथ है तो इसे हम कंसीडर करेंगे, ये फुल थिकनेस है, इसमें तो हमने फुल, पार्शियल और फुल दोनों कंसीडर किया था, लेकिन ये नेक्रोटिक टिश्यूज़ हमेशा इंडिकेट करता है फुल थिकनेस को, स्टेज थ्री और स्टेज फोर को। अब इसमें भी हो सकता है स्टेज थ्री स्टेज फोर का वुंड है, ड्रेनिंग भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर नहीं हो रही तो फिर हम ड्रेसिंग ट्रांसपेरेंट हाइड्रोजेल और हाइड्रोक्लोराइड गैस यूज़ करेंगे। अगर ड्रेनिंग हो रही है, एक्सुडेट रिलीज हो रहा है तो फिर हम एब्जॉर्बिंग ड्रेसिंग यूज़ करेंगे, जैसे फोम है, कोलेजन है, कैल्शियम एरिजिनेट है, गाज है, कंपोसाइट है और कॉन्टैक्ट लेयर ड्रेसिंग। नेक्स्ट है हमारे पास अब ड्रेसिंग की टाइप्स। सबसे पहली जो टाइप है हमारे पास ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग। ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग सो नेम्ड फॉर दियर सी थ्रो प्रॉपर्टीज आर थिन पॉली यूरेथरेन मेम्ब्रेन्स, दे आर कोटेड विद एन एडहेसिव दैट अलाउज देम टू एडहियर टू द वुंड मार्जिन विदाउट स्टिकिंग टू द एक्चुअल वुंड। इन प्लेस स्टिकी जो एडहेसिव मटीरियल लगा होता है वो सिर्फ मार्जिन्स पे होता है, वुंड बेड के साथ ये ड्रेसिंग जो है वो स्टिक नहीं होगी, इसलिए हम इजीली इसे रिमूव भी कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट फिल्म्स हैव नो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी बट डू ट्रांसमिट मॉइस्चर वेपर एंड आर सेमी परमिएबल टू गैसेस, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये इटसेल्फ जो है एब्जॉर्बेंट नहीं है लेकिन ये वेपर्स को और गैसेस को अलाउ करती है। These dressings imitate the outer skin layer to provide a moist environment similar to the blister. This covering allows epithelial cells to migrate over the surface of the wound. Fluid may accumulate under these dressings. This fluid is sometimes mistaken for the pus, a sign of infection. The fluid is a useful agent to create an autolytic environment, thereby inducing a cleaner wound surface. When excess fluid accumulates or leaks out from the sides of the dressing need to be changed. अब change कब करेंगे? जब fluid वहाँ से discharge होगा, किसी एक साइड से अगर leak हो रहा है तो तब हम dressing change कर लेंगे। Second type है हमारे पास dressing की hydrochloride dressing. Hydrochloride dressings were introduced in the 1980s and were mainstay for the wound management for many years.
Hydrocolloids are impermeable to gases and water vapors. The wafer shaped dressings are composed of opaque moisture of the adhesive absorbent polymers, pectin gelling material and sodium carboxymethyl cellulose. इसकी composition होगी, वहाँ पर हमने पढ़ा था polyurethane membrane के बने होती है transparent films, और वो एब्जॉर्बेंट इटसेल्फ नहीं थी, लेकिन ये इटसेल्फ एब्जॉर्बेंट है, एडहेसिव है, बनी हुई पेक्टिन जेलिंग एजेंट या फिर सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज की होती है। हाइड्रोफिलिक पार्टिकल्स विद इन द ड्रेसिंग रिएक्ट विद द वूंड फ्लूइड टू फॉर्म अ सॉफ्ट जेल ओवर द वूंड बेड। हाइड्रोफिलिक वही वाटर लाइकिंग होती हैं, तो ये एज अ जेल एक्ट करते हैं वूंड बेड पे। अकॉर्डिंग टू द कैक्टुअर एंड द फिलिप्स, some hydrocolloid dressing provide an acidic environment and some act as bacterial or the viral barrier. acidic environment की वजह से bacteria kill हो जाएंगे, viruses kill हो जाएंगे, तो ये act as barrier भी करती है। their translucent appearance allows for reviewing of the amount of the exudate absorbed and fluid accumulated under the dressing. ये भी एक इसका जो है हमारे पास प्लस पॉइंट होता है, हम देख सकते हैं कितना फ्लूइड एक्युमुलेट हुआ है अंडर द ड्रेसिंग और कब हमें ज़रूरत होगी ड्रेसिंग चेंज करने की। हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग्स मे हैव नोटिसेबल ऑडर ड्यूरिंग द ड्रेसिंग चेंजेस, दिस इज नॉर्मल इन द एब्सेंस ऑफ क्लिनिकल साइंस ऑफ इन्फेक्शन। सम हाइड्रोकोलाइड्स मे आल्सो लीव रेजिड्यू इन द वूंड बेड। Hydrogels, the main application for the hydrogel is hydrating dry wound beds and softening and loosening slough and necrotic wound debris. Hydrogels have unlimited absorptive capacity due to their high water concentration. Some hydrogels have other ingredients such as arginate, collagen or the starch to enhance their absorptive capacity and will absorb low to moderate amount of exudate. Absorptive capability varies by product and type of the gel. They can be used for many types of the wounds including pressure ulcers, partial and full thickness wounds and vascular ulcers. Their soothing and cooling properties also make them excellent choice for the use in the skin tears, dermabrasions, dermal wounds, donor sites and radiation burn. साथ साथ हमें इसकी indications भी बता दी हैं hydrogels हम किन किन wounds पे apply करते हैं। calcium arginate है, calcium arginate dressing provides yet another choice for the clinicians to use in managing the high exudative wound. arginate dressings are absorbent, non-adherent, biodegradable, non-woven fibers derived from the brown seaweed composed of the calcium salts of the ellagenic acid and mineronic and glucuronic acid. अब इसकी composition में वही properties पहले बताई हैं, absorbent है, non-adherent है, biodegradable है, non-woven fibers से बनी होती है। ये non-woven fibers जो है वो brown seaweed से आती हैं और इन्हीं फाइबर्स के साथ जो चीज़ हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं वो कैल्शियम साल्ट्स होती हैं, एलिजिनिक एसिड्स हैं, मिनरोनिक एसिड एंड ग्लुकुरोनिक एसिड। व्हेन एलिजिनिक ड्रेसिंग्स कम इन कांटेक्ट विद दी सोडियम रिच सॉल्यूशन सच एज वूंड ड्रेन, क्योंकि जो वूंड ड्रेन होता है, वूंड एक्सुडेट होता है, वो सोडियम रिच होता है, तो जब एलिजिनिक ड्रेसिंग उसके कॉन्टैक्ट में आएगी, वूंड एक्सुडेट के कॉन्टैक्ट में, तो कैल्शियम आइंस और सोडियम आइंस एक्सचेंज हो जाएंगे। The calcium ions undergo an exchange for the sodium ions forming a soluble sodium alginate gel. This gel maintains a moist wound bed and supports a therapeutic healing environment. तो कैल्शियम जो कि ड्रेसिंग में है वो वूंड बेड पे चले जाएंगे, वूंड बेड के सोडियम जो है वो ड्रेसिंग में आ जाएंगे। कैल्शियम वूंड बेड में जाकर वो क्या करती है, एक तो थेरापूटिक हीलिंग इफेक्ट्स उसके होते हैं और वूंड बेड को वो मॉइस्ट जो है वो भी प्रोवाइड करेगी। एलिजिनेट कैन एब्जॉर्ब 20 टाइम्स their weight. This may vary based on the particular products. 20 times तक ये absorb कर सकती है अपने जो है basic weight से. They are extremely beneficial in managing large draining cavity wounds, pressure ulcers, vascular ulcers, surgical incisions, wound dehiscence, tunnels, sinus tract, skin graft, donor sites,
एक्सपोज्ड टेंडन्स एंड इन्फेक्टेड वुंड्स हाईली एब्जॉर्बिंग होने की वजह से ये इसके इंडिकेशंस हैं वुंड्स के, जहाँ जहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। एडिशनली देयर हीमोस्टेटिक एंड एब्जॉर्बटिव प्रॉपर्टीज मेक देम यूजफुल ऑन माइनर ब्लीडिंग वुंड्स, क्योंकि हीमोस्टेटिक प्रॉपर्टी भी है, हीम ब्लड को कहते हैं, हेमोस्टेसिस फ्लो को कहते हैं, तो इसकी वजह से हम ब्लीडिंग वुंड्स पे भी अप्लाई करते हैं। इनिशिएट्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर दी ड्राई वुंड्स, एस केयर कवर्ड वुंड्स, सर्जिकल इम्प्लांटेशंस आर थर्ड डिग्री बर्न। अब साथ साथ इंडिकेशंस के हमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी बताई हैं। इनिशिएट्स को हम ड्राई वुंड्स पे अप्लाई नहीं कर सकते, एस केयर कवर्ड वुंड्स पे नहीं अप्लाई कर सकते, सर्जिकल इम्प्लांटेशन अगर रिव्यू भी है कोई मेटल इम्प्लांट है तब भी नहीं करते, और थर्ड डिग्री बर्न जो कि हमारे पास फुल थिकनेस बर्न होता है वहाँ पे भी इन ड्रेसिंग को अप्लाई नहीं करेंगे। लिजिनेट्स आर अवेलेबल इन शीट्स, पैड्स एंड रोप फॉर्म्स एंड इन नॉमिनियस साइजेस। सम न्यूअर कैल्शियम लिजिनेट ड्रेसिंग्स आल्सो कंटेन कंट्रोल रिलीज आयनिक सिल्वर। दिस कैल्शियम लिजिनेट सिल्वर ड्रेसिंग शुड नॉट बी यूज इन कॉम्बिनेशन विद एंजाइमेटिक डिब्राइडिंग एजेंट्स। लिजिनेट ड्रेसिंग्स आर यूजली चेंज्ड डेली आर एज इंडिकेटेड बाई दी अमाउंट ऑफ ड्रेन। अब डिपेंड करते कब चेंज करना है, कितना एक्सुडेट रिलीज हो रहा है। वन ड्रॉबैक इज दैट ड्रेसिंग कैन ड्राई आउट एंड एडहियर टू द वुंड बेड। अब ये जैसे हमने गाज ड्रेसिंग का ड्रॉबैक पढ़ा था कि वो स्टिकी होती है नेचर, वुंड बेड के साथ जो है वो एडहियर हो जाती हैं, सेम उसी तरह ये लिजिनेट ड्रेसिंग भी वुंड बेड के साथ एडहियर हो जाएंगे, जब हम रिमूव करेंगे तो पेन होगा। Using appropriate secondary dressing that help to maintain a gelling state in recommended। तो इसके साथ हम सेकेंड ड्रेसिंग भी यूज़ करते हैं। Early wound care intervention may warrant more frequent dressing changes due to high volume of drainage। As fluid management is attained, the frequency of dressing can be decreased। एक दफ़ा fluid control अगर हमारा हो गया, exudate wound bed से कम हो गया है, तो फिर हम ड्रेसिंग की जो चेंजिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी कम कर देंगे। अगर बहुत ज़्यादा फ्लूड है तो हम उसी के अकॉर्डिंग डेली बेसिस पे चेंज कर सकते हैं, या फिर एक दिन में दो तीन दफ़ा भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास फोम ड्रेसिंग। फोम ड्रेसिंग आर सम ऑफ द मोस्ट एडेप्टेबल ड्रेसिंग फॉर द वुंड केयर। दे आर इंडिकेटेड फॉर द वुंड्स with moderate to heavy exudate prophylactic protection over the bony prominences or friction areas, partial and full thickness wounds, granular or necrotic wound bed, skin tears, donor sites under compression wraps, surgical or dermal wounds in combination with other primary dressings and wound of any etiology। इसको हम किसी भी वुंड पे अप्लाई कर सकते हैं। दे कैन आल्सो बी यूज्ड ऑन इन्फेक्टेड वुंड्स इफ चेंज डेली। द सेकेंड जनरेशन ऑफ द फोम इज़ आल्सो अवेलेबल विद कंट्रोलेबल रिलीज्ड आयनिक सिल्वर। सेकेंड जनरेशन में क्या मॉडिफिकेशन है कि उसमें सिल्वर आयंस होते हैं जो कि वुंड बेड में रिलीज होते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी उनकी इन्हांस कर दी गई है, तो हम सेकेंड जनरेशन फोम भी यूज़ कर सकते हैं। दीज ड्रेसिंग्स मस्ट हैव एक्सुडेट फॉर द सिल्वर आयंस टू बी रिलीज्ड। फोम शुड नॉट बी यूज्ड ऑन द ड्राई एस्केयर वुंड बेड्स। जैसे हमने कैल्शियम लिजिनेट का पढ़ा था कि उसे हम ड्राई वुंड्स पे अप्लाई नहीं कर सकते, सेम इसी तरह इसको भी हम ड्राई पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमने देखा है सिल्वर आयंस ऐड कर दिए गए हैं और कैल्शियम लिजिनेट में कैल्शियम होते हैं, फ्लूइड होगा तो एक्सचेंज होगा, ठीक है, दोनों में अगर फ्लूइड ही नहीं है तो आयंस ही एक्सचेंज नहीं होंगे, तो इन ड्रेसिंग को अप्लाई करने का फिर हमें फ़ायदा भी नहीं होगा। फोम्स शुड नॉट बी यूज्ड ऑन द ड्राई एस्केयर वुंड बेड्स बिकॉज दे कुड कॉज फर्दर डेसिकेशन ऑफ द वुंड साइट। फोम मे बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद टॉपिकल ट्रीटमेंट और एन एंजाइमेटिक डिब्राइडर। फोम आर अवेलेबल इन मेनी साइजेस एंड शेप्स इंक्लूडिंग कैविटी पिलो टाइप ड्रेसिंग। नॉट ऑल फोम ड्रेसिंग हैव बीन एडहेसिव बॉर्डर सो दे विल नीड टू सिक्योर विद द टैप। क्योंकि हर फॉर्म के साथ जो है वो एडहेसिव बॉर्डर नहीं होता हर फॉर्म का, इसलिए हमें एक्स्ट्रा टेपिंग करनी पड़ती है। हाउ एवर न्यू फॉर्म प्रोडक्ट्स हैव इमर्ज्ड विद द एडहेसिव बॉर्डर्स, कशन विद द फ्रेजाइल स्किन मे बी वारंटेड। लेकिन अभी रिसेंटली फॉर्म विद एडहेसिव बॉर्डर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर तो आप ये वाली फॉर्म्स एडहेसिव बॉर्डर वाली यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा कॉशन की ज़रूरत है, आप फ्रिजाइल स्किन पे, स्पेशली मैसीरेटेड स्किन पे।
Collagen dressing. Collagen is major protein of the body and it is necessary for the bone healing and repair. Collagen dressings are derived from the bovine hide, cow hide जो की है. Collagen dressings are either 100% collagen or may be combined with alginate or other products. They are highly absorptive, hydrophilic, moist wound dressings. Seaman suggests that collagen powders, particles and pads are useful in treating highly exudative wound क्योंकि ये highly absorptive है, highly hydrophilic है, तो इसको हम highly exudative wound पे apply कर सकते हैं. If the wound has low to moderate exudate, should be used. If the wound is dry, अगर तो low moderate exudate है तो फिर shoot use करेंगे, अगर dry है तो फिर gel use करेंगे. Collagen dressings can be used on the granulating or necrotic wounds and on partial or full thickness wounds. They may be used with other topical agents. Now collagen dressing should be changed every 3 to 7 days if the wound infection is present. Then daily dressing changes recommended. वैसे normally अगर wound infection नहीं है तो 3 to 7 days के बाद आप change करें, अगर wound infection है तो daily basis पे आपने dressing करनी है. Collagen dressing requires candy dressing for the securement. क्योंकि इसमें कभी adhesive borders नहीं होते तो इसलिए हमें candy dressing चाहिए होती है इसे secure करने के लिए. अब इसके जो practice essentials हैं, use collagen dressing with caution when treating patients with fragile skin. If adhesive secondary dressings are also used, these dressings are contraindicated for the patients who are sensitive to bovine products. जिनको bovine products से allergy है, dairy products से allergy होती है, उन पर आपने ये dressing apply नहीं करनी. Don't use these dressings on the dry wound or on third degree burns. Collagen dressings are easy to remove. Their gel properties prevent these dressings from adhering to the wound bed. Collagen dressing facilitate a moist wound environment and may be used with other topical products. Change collagen dressing daily if used on infected wounds. Next time our first contact layer dressing. Contact layer dressings are a single layer of a woven net that act as a low adherent material when applied to wound surfaces. A contact layer dressing is applied directly to the wound and act as a protective interface between the wound and secondary dressing. Their main purpose is to allow exudate to pass through the contact layer and into the secondary dressing. They are often used with the ointment, creams or other topical products such as growth factors or tissue engineered skin substitutes. Contact layer dressings are not recommended for the dry wounds or third degree burns. Check the package insert for the clarification as to which wounds the product can be used on. Various sizes and shapes are available. Frequency of dressing change independent on etiology of the wound and amount of the exudate. Naam se pata chal raha hai contact layer dressing, secondary dressing ke saath mostly use hoti hai. Different ointments, creams ke saath bhi hum ise use kar sakte hain. लेकिन जब भी आपने अप्लाई करना है तो पैकेज के अंदर जो इंसर्ट होता है पहले वहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शंस रीड करनी है फिर अप्लाई करना है. इसके प्रैक्टिस एसेंशियल्स में कॉन्टैक्ट क्लियर ड्रेसिंग्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर ड्राई वाउंड्स एंड थर्ड डिग्री बर्न. नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टैक्ट क्लियर ड्रेसिंग्स आर ईजी टू अप्लाई एंड आर सिक्योर्ड विद द ड्रेस कैंड्री ड्रेसिंग. दे प्रोटेक्ट द होल बेड ड्यूरिंग द ड्रेसिंग चेंजेस. नेक्स्ट है हमारे पास ड्रेसिंग की टाइप एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग. एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग हैव एडिड अ न्यू डायमेंशन टू द वुंड ड्रेसिंग एरिना. क्लिनिशियंस नाउ हैव सेवरल चॉइसेस ऑफ ड्रेसिंग व्हेन डीलिंग विद द वुंड इन्फेक्शन. दीज न्यू ड्रेसिंग्स आर डिफरेंट देन द टॉपिकल एंटीबायोटिक थेरेपी. दे प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ एन एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड मोस्ट एनवायरमेंट फॉर द हीलिंग. ड्रेसिंग के साथ साथ आपने टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल थेरेपी भी कंटिन्यू करनी है, बल्कि ये नहीं कि आपने एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग को रिप्लेस कर देना है टॉपिकल एंटी बायोटिक थेरेपी से. ये ड्रेसिंग जो है एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग की हमें मॉइस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है और एक्ट एज बैरियर अगेंस्ट बैक्टीरिया.
The active ingredients may be silver ions, cadix, catechumen, iodine or polyhexamethylene. Begonites इसमें हो सकते हैं. Antimicrobial resins do not replace the need for systemic antibiotic therapy. Same, ना तो ये local को करती है, topical को करती है replace dressings, और ना ही ये systemic antimicrobial therapy को replace करती हैं dressings. सिस्टेमिक भी कंटिन्यू करनी है ड्रेसिंग के साथ साथ, और टॉपिकल जो एंटी माइक्रो बैक्टीरियल थेरेपी है उसको भी कंटिन्यू रखना है. रादर दिस सर्व एज एडजंक्ट इन ट्रीटिंग बोर्ड इन्फेक्शन, बल्कि हमने उसके साथ एडिशनल ऐड करनी है ड्रेसिंग, ताकि जो बोर्ड इन्फेक्शन है वो फास्टली हील हो जाए. रादर दिस सर्व एज एडजंक्ट इन ट्रीटिंग बोर्ड इन्फेक्शन एज रिसर्च कंटिन्यूज एंड न्यू प्रोडक्ट्स बिकम अवेलेबल, दिस क्लासिफिकेशन ऑफ बोर्ड ड्रेसिंग विल एक्सपैंड. Antimicrobial dressings are available in variety of forms, जैसे transparent dressing है, gauze islands and dressings forms, absorptive fillers to name a few. Some of these dressings can remain place for 7 days. Practice essentials में इसमें आ जाते हैं. Antimicrobial dressings are an adjunct in treating wound infection. Additional thumbs up use करते हैं. Frequency of changing varies with the antimicrobials, कि कितना bio burden है उस पर depend करता है कि हमने डेली बेसिस पे एंटीमाइक्रोबियल ड्रेसिंग करनी है, या फिर कुछ गैप के साथ अल्टरनेट डे पे भी कर सकते हैं, 2 to 3 days भी कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस में आ जाती हैं एडवांस थेरेपीज, टिश्यू इंजीनियर स्किन सब्सटीट्यूट्स, 2 टिश्यू इंजीनियर स्किन प्रोडक्ट्स कंटेनिंग लिविंग सेल्स आर अप्रूव्ड फॉर यूज इन द यूनाइटेड स्टेट्स. अब वो कौन से दो सब्सटीट्यूट्स हैं, स्किन सब्सटीट्यूट्स, एप्लीग्राफ है और डर्माग्राफ्ट है. बोथ कंटेन लिविंग सेल्स डिराइव फ्रॉम द नियोनेटल फोरस्किन. फोरस्किन होती है जो पीनिस हेड को कवर कर रही होती है, उससे हम ये दोनों सब्सटीट्यूट्स प्रिपेयर करते हैं. अ सिंगल फोरस्किन कैन प्रोड्यूस ओवर 2 लाख यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स. एक सिंगल फोरस्किन से हम 2 लाख से ज़्यादा एप्लीग्राफ्ट एंड डर्माग्राफ्ट के प्रोडक्ट्स जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं. एप्लीग्राफ्ट को पहले हम देखेंगे. एप्लीग्राफ्ट इज़ अ बाई लेयर्ड स्किन प्रोडक्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ डर्मल एक्विवेलेंट कंपोज्ड ऑफ टाइप 1 बोविन कोलेजन दैट कंटेन्स लिविंग ह्यूमन डर्मल फाइब्रोब्लास्ट. एक तो इसमें लिविंग सेल्स हैं, कोलेजन टाइप 1 होती है, टाइप 1 बोविन कोलेजन वो ही, और साथ ही फाइब्रोब्लास्ट होते हैं. एज एन ओवरलाइंग कॉर्निफाइड एपिडर्मल सेल्स ऑफ द लिविंग ह्यूमन कैरेटिनोसाइट्स. एपिग्राफ डज नॉट कंटेन लिंगरहैम सेल्स, मेलानोसाइट्स आर एंडोथेलियल सेल्स, परहैप्स एक्सप्लेनिंग व्हाई इट इज नॉट क्लिनिकली रिजेक्टेड. यही रीज़न है क्योंकि इसमें लिंगरहैम सेल्स नहीं है, मेलानोसाइट्स भी नहीं है, एंडोथेलियल सेल्स भी नहीं होते, इसलिए इसकी रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं. इट कंटेन्स ओनली ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट एंड इज टेस्टेड एक्सटेंसिवली फॉर द इन्फेक्शियस एजेंट्स. सेकेंड टाइप है ये सब्सटीट्यूट की, स्किन सब्सटीट्यूट डर्माग्राफ्ट. डर्माग्राफ्ट इज अ क्रायो प्रिजर्व्ड ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट डिराइव्ड डर्मल स्किन सब्सटीट्यूट इंडिकेटेड फॉर द यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ फुल थिकनेस डायबिटिक फुट अल्सर. डर्माग्राफ्ट में भी फाइब्रोब्लास्ट्स होते हैं हमारे पास, और ये हम यूज़ करते हैं फुल थिकनेस डायबिटिक फुट अल्सर्स के लिए. व्हेन द डर्माग्राफ्ट इज प्लेस्ड ऑन एन अल्सर्स द मेश मटीरियल इज ग्रेजुअली एब्जॉर्ब्ड एंड the human cells grow into the place replacing the damaged skin. Dermagraft is not recommended for use on infected wounds or wounds with sinus tract. It cannot dermagraft ko hum infected wounds pe apply nahi kar sakte aur sinus tract pe bhi apply nahi kar sakte. It should not be used in patients who are sensitive to the bovine products. Again jinko allergy hoti hai dairy products se unme bhi hum ये स्किन सब्स्टिट्यूट्स यूज़ नहीं करेंगे. ये स्किन प्रोडक्ट्स हैं वो ही स्किन सब्स्टिट्यूट्स हैं, एप्लीग्राफ्ट डर्माग्राफ्ट जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं. एप्लीग्राफ्ट में अगर हम देखें तो इसमें फाइब्रोब्लास्ट भी होते हैं और कैरेटिनोसाइट्स भी होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कॉर्निफाइड सेल्स, लेकिन डर्माग्राफ्ट में सिर्फ और सिर्फ फाइब्रोब्लास्ट है. एक और टाइप होती है स्किन सब्स्टिट्यूट की जिसे एपिसेल कहते हैं, इसमें सिर्फ कैरेटिनोसाइट्स होते हैं. बायोफिजिकल टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं एडवांस थेरेपीज़ में,
फिजिकल एजेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 प्राइमरी कैटेगरीज, जैसे मैकेनिकल है और काइनेटिक, जिसमें वर्लपूल थेरेपी आ जाती है। इलेक्ट्रिकल में डिफरेंट करंट्स आ जाते हैं, जैसे हमने यूवी रेज देते हैं, आईआर्स देते हैं, और एक्वेस्टिक आ जाती है, एक्वेस्टिक में अल्ट्रासाउंड वगैरह आएगा। नेगेटिव प्रेशर बोन थेरेपी, ये हमारे पास मैकेनिकल है। नेगेटिव प्रेशर बोन थेरेपी वॉज डिवेलप इन द अर्ली 1990s इन द यूरोप एंड लॉन्च्ड इन द यूनाइटेड स्टेट इन 1997। दिस बायोफिजिकल एजेंट इज इंडिकेटेड फॉर अ वैरायटी ऑफ वुंड। इसकी इंडिकेशंस और कंट्रा इंडिकेशंस हम आगे जाके देखते हैं। इन जनरल नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी इज इंडिकेटेड फॉर द फुल थिकनेस वुंड सच एज स्टेज 3-4 प्रेशर अल्सर्स एंड अदर डीप वुंड्स दैट रिक्वायर असिस्टेंस विद द कॉन्ट्रैक्शन एंड ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन। सम नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी सिस्टम्स आर अप्रोप्रिएट फॉर टनल्स, ट्रैक्स एंड अंडरमाइनिंग। नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी को इवन हम टनल्स, ट्रैक्स और अंडरमाइनिंग वुंड्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नाम से पता चल रहा है नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, मतलब अगर तो एक्सेसिव ड्रेन है, एक्सेसिव एक्सुडेट है, तो उसको हम रिमूव करेंगे नेगेटिव प्रेशर जनरेट करते हुए। नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी अप्लाई सब एटमोस्फेरिक प्रेशर आर सक्शन टू वुंड बेड बाय द वे ऑफ मैकेनिकल यूनिट्स दैट इज अटैच्ड टू द ड्रेसिंग थ्रू अ प्लास्टिक ट्यूब। इसमें जो प्रेशर होता है वो सब एटमोस्फेरिक प्रेशर से भी कम होता है, और जिसकी वजह से सक्शनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। सेवरल टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग्स आर यूज्ड विद दीज डिवाइसेस। कौन कौन सी ड्रेसिंग हम नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी के साथ यूज़ कर सकते हैं, जिसमें फोम है, मॉस्टिन कॉटन गाज है, न्यू नॉन वोवन पॉलिएस्टर लेयर्स जॉइंड बाय द सिलिकॉन एलास्टोमर्स। दीज ड्रेसिंग्स आर कवर्ड विद अ ट्रांसपेरेंट फिल्म दैट सील्स द वुंड एंड ड्रेसिंग टू मेंटेन द वैक्यूम इफेक्ट। फोम आदि गाज कंटेनिंग सिल्वर और अदर एंटीबायोटिक इज अवेलेबल फॉर सम मैन्युफैक्चरर। व्हेन यूजिंग गाज, अ नॉन एडहेरेंट ड्रेसिंग शुड बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वुंड बेड एंड देन द मॉइस्टेंट गाज अप्लाइड ऑन द टॉप टू फिल द वुंड। मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंड इनिशियली चेंजिंग द ड्रेसिंग 48 आवर्स आफ्टर द बिगनिंग ट्रीटमेंट, देन 2-3 टाइम्स पर वीक एज इंडिकेटेड बाय द वुंड्स रिस्पॉन्स टू द नेगेटिव प्रेशर वुंड इंटरवेंशंस। Once the dressing is applied, an evacuation tube runs from the wound through the dressing, drawn excess exudate away from the wound into the canister. Canister हमारे पास वही सिलेंडर होता है जिसमें फ्लूड एक्युमुलेट होता है, अटैच्ड टू द अदर एंड ऑफ द ट्यूबिंग। द कैनिस्टर इज अटैच्ड टू द वैक्यूम पंप दैट प्रोवाइड्स ईदर कंटिन्यूस आर इंटरमीडिएट नेगेटिव प्रेशर। एडजस्ट फॉर द टाइप ऑफ द वुंड बीइंग ट्रीटेड। नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी क्रिएटेड बाय द पंप इज इन द रेंज ऑफ 0-200। अब नेगेटिव प्रेशर हम किस रेंज तक जनरेट कर सकते हैं, 0-200 mm ऑफ HG, डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम यूज। द एप्लीकेशन इन द टाइप ऑफ ड्रेसिंग वेरी बाय द स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर एंड द गोल्स फॉर द यूज ऑफ डिवाइस। नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी रिपोर्टेडली फैसिलिटेट वुंड क्लोजर एंड हीलिंग थ्रू द सेवरल मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन इंक्लूडिंग रिमूविंग थर्ड स्पेस। थर्ड स्पेस में हमारे पास जैसे प्लूरोफिबिन है, कार्डिक टेम्पोनेट है, SITs आ जाता है, उसके लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं, विच इम्प्रूव्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन डिलीवरी। रिमूविंग वुंड एक्सुडेट विच इज मीडियम फॉर द बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन। एक्सुडेट नहीं होगा तो बैक्टीरिया जो है वो फर्दर मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ये पूरा सिस्टम है हमारे पास नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी का। ट्यूब के दो एंड्स, एक एंड जो है वो वुंड बेड में होता है, दूसरा वो सक्शन मशीन के साथ सिलेंडर के साथ अटैच होता है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन आ गया नेक्स्ट हमारे पास। द रिपोर्टेड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इन रिलेशन टू द क्रोनिक वुंड हीलिंग एंड टिश्यू रिपेयर इंक्लूड इंक्रीज ब्लड फ्लो। स्टिमुलेशन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की वजह से एक तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, टिश्यू ऑक्सीजनेशन इंक्रीज हो रही है, फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन इंक्रीज होती है, कोलेजन डेपोजिशन इंक्रीज होती है, एंजियोजेनेसिस इंक्रीज होती है, वुंड पेन कम होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की वजह से। डायबिटिक और पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन इंटेंसिटी जो है वो भी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से कम हो जाती है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन एनर्जी में भी कंसिडर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लोअर लिम्ब विद सेवेरली कॉम्प्रोमाइज्ड आर्टेरियल ब्लड फ्लो। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन एनर्जी डिलीवर्ड एज हाई वोल्टेज पल्स करंट अप्लाइड टू द इस्केमिक लोअर एक्सट्रीमिटीज हैज बीन शोन टू इंक्रीज
transcutaneous pulse oximetry and perfusion, with subsequent healing of these legs and feet in patients who were at high risk for the amputation. The application of electrical stimulation in wound healing includes therapeutic exogenous का मतलब है externally applied to the electrical currents. These currents are delivered to the wound tissues by placing at least 2 electrodes directly into or around the wound. इसे हम पेरी वॉन्ट टिश्यूज भी कहते हैं. आर बाई अप्लाइंग और स्ट्रोकिंग आर ग्लव्स इलेक्ट्रोड गार्मेंट टू दी अफेक्टेड लिम्फ. लो लेवल लेजर थेरेपी इन दी वॉन्ट हीलिंग है. इसमें डिफरेंट पैड्स जो हैं वो यूज़ होता है. मल्टी क्लस्टर डायोड भी यूज़ हो सकता है, सिंगल क्लस्टर डायोड भी यूज़ हो सकता है. दी लिटरेचर एंड एनेक्डोटल रिपोर्ट्स जो कि हमारे पास इनकम्प्लीट रिपोर्ट्स होती हैं, जिनमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती हैं, उन्हें कहते हैं एनेक्डोटल रिपोर्ट्स. इंडिकेट दैट मोस्ट क्रोनिक वाउंड्स इंक्लूडिंग डायबिटिक न्यूरोपैथिक फुट अल्सर्स वीनस इंसफिशेंसी आर्टीरियल इंसफिशेंसी प्रेशर अल्सर्स रिस्पॉन्ड वेल टू दी दिस ट्रीटमेंट इंटरवेंशन. दिस का मतलब अब क्या है, लेज़र थेरेपी. लेज़र थेरेपी के भी हमें इफ़ेक्ट्स मिलते हैं वाउंड्स पर. सेकेंड हमारे पास इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन आ जाती है यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट. यूवी लाइट हैज़ बीन यूज्ड फॉर दी सेंचुरीज टू ट्रीट अ मिरियड्स ऑफ हेल्थ एंड स्किन प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल सनलाइट, मोर रिसेंटली बाय द आर्टिफिशियल यूवी जनरेटेड सोर्सेज. अल्ट्रावायलेट ए एंड अल्ट्रावायलेट बी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिगमेंटेशन एंड एरिथमा ऑफन सीन इन द लाइट स्किन individuals after significant sun exposure. UVB light assists in wound healing by inducing an inflammatory reaction, stimulating the growth of granulation tissue and promoting breakdown and elimination of dead tissue from the wound. Ultraviolet C, जिसकी वेवलेंथ 200 से लेकर 290 नैनोमीटर तक होती है, इन द फॉर्म ऑफ यूवी लाइट, मोस्ट ऑफन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक वाउंड्स. तो ये भी हमारे पास एमसीक्यू आ सकता है, यूवी लाइट में से कौन सी यूवी टाइप मोस्ट कॉमनली यूज होती है, तो वो यूवी सी है. क्यों? क्योंकि इसका बैक्टीरियसाइडल इफेक्ट भी साथ मिलता है हमें. इन पेशेंट्स विद द क्रोनिक वाउंड्स यूवी सी ट्रीटमेंट आल्सो रिड्यूस द वाउंड बायोबर्डन. वही पीछे हम अभी पढ़ सकते हैं कि इसका बैक्टीरियसाइडल इफेक्ट है, बायोबर्डन कम हो जाएगा. सेकेंड इसका इफेक्ट क्या है, प्रमोट वाउंड हीलिंग. In addition, in vitro studies have shown that UVC therapies destroy 100% of antibiotic resistant bacteria. वो bacteria जिनमें resistance आ जाती है antibiotic के against, antibiotic का भी कोई effect नहीं होता, तो उनके लिए भी UVC light जो है वो most effective है. वो भी 100% destroy हो जाते हैं, kill हो जाते हैं UVC exposure की वजह से. The suggested application of UVC is as follows: removes the dressing, debride the wound if not contraindicated, protect the peri wound area with petroleum jelly. Hold the sunlight perpendicular to the wound bed at the distance of 1 inch and apply UV light. अब एप्लीकेशन के लिए हमें एक प्रोटोकॉल बताया हुआ है कि सबसे पहले तो आपने एक्सपोज करना है, ड्रेसिंग रिमूव करनी है, अगर तो डिब्राइटमेंट की ज़रूरत है डिब्राइट करना है, डेड टिश्यूज़ को रिमूव करना है, नेक्रोटिक टिश्यूज़ को रिमूव करना है, फिर आप अप्लाई करोगे. प्रोटेक्ट द पेरीवुंड एरिया, पेरीवुंड एरिया को आपने पेट्रोलियम जेली से प्रोटेक्ट कर लेना है, और जो भी हमारे पास यूवी लाइट का सोर्स होगा उसको 1 इंच डिस्टेंस पे रखना है, और परपेंडिकुलर लाइट जो है वो हम उसका एक्सपोजर करेंगे एक्सपोज्ड स्किन पे. कंप्रेशन थेरेपी है. कंप्रेशन थेरेपी इज़ द फाउंडेशन फॉर द सक्सेसफुल मैनेजमेंट इन द पेशेंट्स विद द एडिमेटस वोंड कास्ट बाय द वीनस इंसफिशेंसी. जैसे कि हम पढ़ चुके हैं डीबीटी में, लिम्फेडीमा में हम कंप्रेशन थेरेपीज यूज़ करते हैं. कंप्रेशन थेरेपी रैप्स आर यूज्ड टू मैनेज द फ्लूइड एक्युमुलेशन एंड प्रमोट सफिशिएंट रिटर्न ऑफ वीनस ब्लड बैक टू द सेंट्रल सिस्टम एंड लिम्फ बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम. दिस सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड बाय द लिम्फेटिक सिस्टम कॉल्ड लिम्फेटिक लोड्स एंड कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, वाटर, सेलुलर डेब्री एंड फैट फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम. अब वो फ्लूड जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो करता है उसे हम लिम्फेटिक लोड कहते हैं. इसकी कंपोजिशन अगर हम देखें तो कंपोजिशन में प्रोटीन्स, वाटर, सेलुलर डेब्री और फैट्स आ जाते हैं.
Several types of compression wraps are available and instructions on their application technique vary. Some have layers that are applied in spiral fashion while others are wrapped in figure 8 configuration and still others use combination of the two wraps. Two basic techniques hote hain, ya to hum spiral fashion mein compressions apply kar sakte hain ya fir figure of 8 ki form mein ya in dono techniques ko combine karte hue. Bandages are also classified by their elasticity. Short stretch bandages have a smaller degree of stretch than do long stretch bandages. Short stretch or the rigid compression systems are particularly suited to manage the fluid accumulation of the lymphedema and also indicated for the patients with a combination of venous insufficiency and lymphedema in the same leg. शॉर्ट स्ट्रेच जो रिजिड होती हैं बैंडेजेस कंप्रेशन रैप्स उनको हम यूज़ कर सकते हैं वीनस इनसफिशेंसी केस में और लिम्फेडिमा के केस में. एनाना बोर्ड्स इज अ शॉर्ट स्ट्रेच सिस्टम दैट इंक्लूड ऑलमोस्ट क्लियर इम्प्रेग्नेटेड विद दी सेवरल सब्सटेंसेस. ये शॉर्ट स्ट्रेच सिस्टम है और इसमें इम्प्रेग्नेटेड होती हैं फर्दर सब्सटेंसेस जिनमें जिंक ऑक्साइड है कैलामाइन है और जेरेटिन है. This layer molds to extremity, becoming semi-rigid when dried. इसको मोल्ड किया जाता है अप्लाई किया जाता है एक्सट्रीमिटी पे और फिर ड्राई करने पे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सेमी रिजिड और रिजिड हो जाती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा एक्सट्रीमिटी पे अफेक्टेड लिम पे. Highly working pressure, अच्छा dried and creating highly working pressures during the embolation. This improves the cough pumping function और जब रिली पेशेंट वॉक करेगा तो उसका जो पम्पिंग एक्शन है वो और ज़्यादा इम्प्रूव मिलेगा जो कि फेसिलिटेट करेगा फ्लूइड रिटर्न को टू दी सेंट्रल नर्वस सेंट्रल सिस्टम और पेरिफ्री में जो एडिमा बना हुआ था वो सबसाइड हो जाएगा. ये अनाबूट्स हैं. प्रेशर पीक्स ड्यूरिंग मसल कॉम्प्रेशन जब वही वो वॉक करेगा एम्बुलेशन के टाइम पे प्रेशर पीक्स मिलेंगी. इट रिड्यूसेस एडिमा. इट इज़ एफिशिएंट इन वीनस अल्सर ट्रीटमेंट. इट एमेल्योरेट एक्जिमा एंड प्रोराइटिस. इंटरमीडिएट कॉम्प्रेशन आ जाती है. नेक्स्ट हमारे पास जाता है इंटरमीटेंट कंप्रेशन थेरेपी. एक्सटर्नल न्यूमेटिक कंप्रेशन थेरेपी और द इंटरमीटेंट कंप्रेशन थेरेपी contributes to the healing of venous insufficiency ulcers by collapsing the superficial veins and forcing blood into the deep system, thus increasing the subcutaneous pressure. Intermittent compression therapy prevents the leakage of blood, fibrin and protein from the skin capillaries. Application of ICT intermittent compression therapy to the lower extremity is the best accomplished with the patient position spine and extremity elevated above the heart. Treatment time varies but usually lasts from 45 to 60 minutes. Intermittent compression therapy को mostly हम venous insufficiency के लिए apply करते हैं. Venous insufficiency के केस में lower extremity में edema होता है. जब हम compression therapy apply करेंगे तो superficial veins जो हैं वो collapse होंगे और वो सारा जो venous blood होगा वो deeply चला जाएगा. सेकेंड चीज़ है कि जब भी हम ICT अप्लाई करते हैं पेशेंट स्पाइन पोजीशन में होगा एक्सट्रीमिटीज़ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो एलिवेटेड होंगी अबव द हार्ट लेवल. ट्रीटमेंट टाइम 45 से लेकर 60 मिनट्स तक हो सकता है. ICT इज़ कंट्रा इंडिकेटेड फॉर द पेशेंट्स विद एक्यूट डीप वीनस थ्रोम्बोसिस और सीवियर पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज. ऑल्दो नॉट एन एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशन विजिलेंट ऑब्जर्वेशन एंड कम्युनिकेशन विद द पेशेंट हु हैज हिस्ट्री ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मस्ट बी प्रैक्टिस्ड व्हेन यूजिंग एनी टाइप ऑफ कंप्रेशन सिस्टम. दिस इज इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द हार्ट इज नॉट ओवरलोडेड विद द इंक्रीज्ड फ्लूइड रिटर्न बैक टू द सेंट्रल सिस्टम. नेक्स्ट एडवांस थेरेपी में आ जाते हैं हमारे पास हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी. मोस्ट क्रोनिक वोंड्स आर हाइपोक्सिक विच मीन्स दे रिक्वायर एन इंक्रीज इन ऑक्सीजन फॉर एडिक्वेट हीलिंग टू टेक प्लेस. हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी HBOT इज द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एट प्रेशर ग्रेटर देन द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी में जो हमारे पास ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है लेकिन नेगेटिव प्रेशर वोंड थेरेपी में हमने पढ़ा था सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो.
आर मोर प्रेशर देन वन एटमोसफेयर एब्सोल्यूट. वन एटमोसफेयर एब्सोल्यूट को हम ATA भी कहते हैं. दिस रिक्वायर्स दैट द इंटायर बॉडी मे बी प्लेस्ड इन प्रेशर चैम्बर व्हाइल 100% ऑक्सीजन इज सर्कुलेटेड फॉर द पेशेंट टू ब्रीद. पूरी बॉडी को ही एक चैम्बर में प्लेस किया जाता है जिसमें 100% ऑक्सीजन जो है वो सर्कुलेट करती है और पेशेंट फिर उस चैम्बर में ब्रीदिंग करेगा. द बैरोमेट्रिक प्रेशर कैन बी इंक्रीज्ड अप टू 3 times नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. उस सिलेंडर का प्रेशर हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 3 times इंक्रीज कर सकते हैं. द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ सिस्टेमिक ऑक्सीजन ऑन द ह्यूमन बॉडी आर मोर सिमिलर टू अ ड्रग देन अ फिजिकल मोडलिटी एंड लाइक एनी ड्रग देयर इज चांस ऑफ ओवरडोज ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी एंड साइड इफेक्ट्स. इसके जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हमें मिलेंगे हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के वो सेम लाइक ड्रग होंगे ना कि फिजिकल मोडलिटी की तरह. ओवरडोज अगर हम देंगे तब ओवरडोज की वजह से टॉक्सिसिटी के भी चांसेस हैं. अब हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के जो जो हमें इफेक्ट्स मिलते हैं वैसोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन. वैसो कंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस इन बोथ आर्टीरियल एंड वीनस वेसल्स विच रिड्यूस एडिमा कंजेशन व्हाइल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाइड बाय द प्लाज्मा इज इंक्रीज्ड. सेकेंड हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी का इफेक्ट है हमारे पास हाइपर ऑक्सीजनेशन ऑफ इस्कीमिक टिश्यूज. क्योंकि इस्कीमिक टिश्यूज वोंड टिश्यूज ऑलरेडी इस्कीमिया में हैं हाइपोक्सिक हैं. क्रोनिक वोंड्स आर फ्रीक्वेंटली हाइपोक्सिक. हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी इंक्रीजेस टिश्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन क्रिप्टिंग दी वोंड हिपोक्सिया इंटरमीडियंटली विच देन अलाउज फॉर एक्सेलरेशन ऑफ दी वोंड हीलिंग प्रोसेस थ्रू आ सीरीज ऑफ एक्शंस दैट कंटिन्यू लॉन्ग आफ्टर द हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी सेशंस हैज एंडेड एंड टिश्यू ऑक्सीजन लेवल हैव रिटर्न्ड टू प्री ट्रीटमेंट वैल्यूज. थर्ड इफेक्ट है हमारे पास हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी का इम्प्रूव्ड वोंड मेटाबोलिज्म. द एलिवेशन इन द प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्रमोट वोंड हीलिंग बाय डायरेक्टली इन्हेंसिंग द फाइब्रोब्लास्ट रेप्लिकेशन कोलेजन सिंथेसिस एंड प्रोसेस ऑफ न्यूवास्कुलराइजेशन जिसमें न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होती है न्यू ब्लड वेसल्स सिंथेसिस होती है और साथ ही एपिथेलियलाइजेशन का प्रोसेस है वो भी इन्हांस हो जाता है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी की वजह से. मतलब ओवरऑल जो वोंड हीलिंग है वो प्रमोट होती है. फोर्थ इफेक्ट इसका आ जाता है हमारे पास अपरेगुलेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर. हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी काजेस द अपरेगुलेशन ऑफ साइटोकाइंस इंक्लूडिंग PDGF प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर विच मे बी वन ऑफ द मैकेनिज्म बाय विच हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी इन्हेंसेस द एंजियोजेनेसिस. ये प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर जो है वो फर्दर जाकर नियो एंजियोजेनेसिस काज कराता है. लास्ट इफेक्ट है हमारे पास हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी का एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट. द इंक्रीज इन अवेलेबल ऑक्सीजन इन्हेंसेस द लिकोसाइट बैक्टीरियसाइडल इफेक्ट इंक्लूडिंग द किलिंग ऑफ एरोबिक ग्राम पॉजिटिव जैसे कि हमारे पास स्ट्रेटस ऑरियस है एंड द ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म इन एडिशन टू बीइंग साइटोटॉक्सिक टू द एनारोब्स. न्यूट्रोफिल्स एंड दी पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर दी फैगोसाइटोसिस एंड किलिंग ऑफ बैक्टीरिया टू टेक प्लेस. शुड दी ऑक्सीजन टेंशन बिलो 30 mm ऑफ HD एफिशेंसी ऑफ बैक्टीरियसाइडल एक्शन ऑफ दी PMNS जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 30 कम हो जाए तो. लास्ट है हमारे पास इक्वेसिटिक आ जाता है फिजिकल एजेंट्स में. इक्वेसिटिक में अल्ट्रासाउंड एनर्जी इन दी वोंड केयर एंड हीलिंग. थेरापेटिक अल्ट्रासाउंड डिलीवर एनर्जी थ्रू दी मैकेनिकल वाइब्रेशन इन दी फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स एट फ्रीक्वेंसीज अबव डिटेक्शन बाय दी ह्यूमन ईयर. ह्यूमन ईयर की जो कैपेसिटी होती है वो 20 Hz से लेकर 20,000 Hz होती है. अल्ट्रा का मिनट अबव होता है तो वो फ्रीक्वेंसी जो हमारी ऑडिबल रेंज से ज़्यादा होगी उसे कहेंगे अल्ट्रासाउंड. मतलब मोर देन 20,000 Hz. हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड इज करेंटली यूज इन द रेंज ऑफ 1 to 10 MHz फॉर द फीटल इमेजिंग एंड डुप्लेक्स स्कैनिंग एंड हैज़ बीन यूज इन 1 to 3 MHz रेंज फॉर ओवर 6 decades टू प्रमोट सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हीलिंग. अब दो फ्रीक्वेंसीज यूज होती हैं, एक जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी है और दूसरी लो फ्रीक्वेंसी. हाई फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ में है जो कि इमेजिंग पर्पस के लिए यूज़ होती है मोस्टली फीटल इमेजिंग के लिए डुप्लेक्स स्कैनिंग के लिए. और सेकंड जो लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड है वो थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए यूज़ होती है.
In addition, high-frequency ultrasound has been implemented to facilitate wound healing. High-frequency ultrasound devices create their effect by running electricity through a crystal in the sound head, causing the crystal to vibrate. बिल्कुल वही इफेक्ट है जैसे कि साउंड वेव्स का होता है. वेव्स असल में वाइब्रेशन ही होती हैं जो कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कर ट्रांसफ़र करती हैं. तो जब हम हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड को ऑन करेंगे तो उसमें क्रिस्टल जो है वो वाइब्रेट करता है. वाइब्रेशंस आर देन पास्ड थ्रू द साउंड हेड थ्रू एन अल्ट्रासाउंड कपलिंग मीडियम इन टू द टिश्यूज, कॉजिंग देम टू वाइब्रेट एंड क्रिएटिंग लोकल थर्मल इफेक्ट. यही वाइब्रेशन जो है वो कपलिंग मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र होती है टिश्यूज़ में. टिश्यूज़ की वाइब्रेशन की वजह से थर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, वो लोकल थर्मल इफेक्ट होगा. अल्ट्रासाउंड इफेक्ट टिश्यूज थ्रू द थर्मल एंड नॉन थर्मल मैकेनिज्म. अब थर्मल तो हमने पढ़ लिया वाइब्रेशन की वजह से है. नॉन थर्मल को देखें कि नेक्स्ट द थर्मल इफेक्ट्स विद ग्रेटर टिश्यू एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विद हायर फ्रीक्वेंसीज, वेयर एज नॉन थर्मल इफेक्ट आर प्रीडोमिनेंट विद द लोअर फ्रीक्वेंसीज एंड व्हेन अल्ट्रासाउंड इज पल्स्ड. थर्मल इफेक्ट हमें मोस्टली हाई फ्रीक्वेंसीज के साथ मिलेगा. हाई फ्रीक्वेंसी मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा वाइब्रेशन होगी और उतनी ही ज़्यादा जो है वो हीट जनरेट होगी. लेकिन जो नॉन थर्मल इफेक्ट है वो हमें मोस्टली लो फ्रीक्वेंसीज में मिलता है और स्पेशली जो पल्स्ड मोड होता है अल्ट्रासाउंड का तब. रिसेंटली लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड हैज़ बीन एडेड टू द ओरिजिनल. लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड में अब याद रखना है हमें नॉन थर्मल इफेक्ट मिलता है. Original of the tools available for the wound care, delivery of the low frequency ultrasound to the wound has been shown to effectively debride necrotic tissues. अब यही low frequency ultrasound ही use होती है debriding purpose के लिए. Eradicate some strains of bacteria, मतलब antimicrobial purpose हो गया, and facilitate the wound healing. Low frequency ultrasound के अब ये तीन effects हमें मिलेंगे. Number one क्या है, वही necrotic tissues का removal, debridement. सेकेंड है एंटीमाइक्रोबियल स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, और लास्ट वाला जो थर्ड वन है प्रमोट वूंड हीलिंग. लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड थेरेपी इज बिलीव्ड टू प्रमोट वूंड हीलिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ कैविटेशन. अब लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड जो कि नॉन थर्मल इफेक्ट था वो वूंड हीलिंग को कैसे प्रमोट करती है, एक प्रोसेस है कैविटेशन उसके थ्रू. अब कैविटेशन क्या है, प्रोडक्शन एंड वाइब्रेशन ऑफ मैक्रोन साइज्ड बबल्स विद इन द कपलिंग मीडियम एंड फ्लूइड विद इन द टिश्यूज एंड इक्वेस्टिक स्ट्रीमिंग. ये सेकेंड इफेक्ट है. एक तो कैविटेशन को हो गया जिसमें स्मॉल बबल्स फॉर्मेशन होती है और वो रप्चर होते हैं, और सेकेंड है इक्वेस्टिक स्ट्रीमिंग मतलब मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स अलोंग द इक्वेस्टिक बाउंड्रीज. ये दोनों इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं लो फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड में. अब ऑप्शन हमारे पास नेक्स्ट है कम्बिनेशन ऑफ कैविटेशन एंड इक्वेस्टिक स्ट्रीमिंग. लो फ्रीक्वेंसी में ये दोनों इफेक्ट हमें मिलते हैं, बोथ ऑफ विच अकर मोर फ्रीक्वेंटली विद द किलो हर्ट्स देन द मेगा हर्ट्स अल्ट्रासाउंड. प्रोवाइड्स अ मैकेनिकल एनर्जी केपेबल ऑफ अल्टरिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्टिविटी एंड देयर फोर सेलुलर एक्टिविटी. द लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड इफेक्ट ऑफ माइक्रो स्ट्रीमिंग एंड पॉसिबली टू सम डिग्री कैविटेशन क्रिएट माइक्रो डिफॉर्मेशन और शेयर फोर्सेस that aid in tissue repair by upregulating the fibroblast causing them to proliferate and migrate more radially to wound site and to become more active creating a collagen rich connective tissue matrix. The fibroblast then differentiate into myofibroblast to facilitate contraction process of wound repair. The mechanical energy from an ultrasound wave is absorbed by an individual protein molecule theoretically inducing a conformational change. Signal transduction pathway can also be stimulated from the ultrasound generated mechanical energy. This may result in broad range of cellular effects that impact wound healing, including the leukocyte adhesions, growth factor and collagen production, increased angiogenesis, increased macrophage responsiveness, increased fibrinolysis and increased nitric oxide level. There are currently two delivery mechanisms, contact and non-contact, for the low-frequency ultrasound energy to the wounds. The sonic one, जैसे Misonox और Farmingdale NY, the Sonica 180, जिसमें हमारे पास आ जाती है machines deliver the ultrasound energy as contact devices. अब इसमें दो चीज़ें बताई हुई हैं कि हम लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड को कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट मेथड से अप्लाई कर सकते हैं.
कॉन्टैक्ट डिवाइसेस में हमारे पास सोने का वन आ जाती है और सोनो का 180 है, इन विच द अल्ट्रासाउंड प्रोब इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बोन सर्फेस। द सोनिक वन पर ऑपरेट्स एट दी फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोनिक वन की जो फ्रिक्वेंसी है वो 22.5 किलोहर्ट्ज इन कंटीन्यूअस आर पल्स मोड। दिस अलाउज फॉर डीप टिश्यू पेनिट्रेशन एंड कॉज सेल डिस्ट्रक्शन विद इन द बोन बेड थ्रू द कंबाइंड वाइब्रेशनल एंड कैविटेशनल इफेक्ट। अब इसमें जो सेल की डिस्ट्रक्शन हो रही है वो दोनों वजह से होती है, वाइब्रेशन की वजह से भी और कैविटेशनल इफेक्ट की वजह से भी। कंटिन्यूस इरीगेशन प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर द कैविटेशन फ्लशेस द बोन ऑफ द वाइब्रेंट डिपॉजिट एंड बैक्टीरियल ग्रोथ व्हाइल प्रिजर्विंग द ग्रेनुलेशन टिश्यू। दी सोनोका 180 ऑपरेट्स एट फ्रीक्वेंसी 25। सोनिक वन की तो 22.5 थी फ्रीक्वेंसी और सोनोका 180 की थोड़ी सी ज़्यादा है, 25 किलोहर्ट्ज इन दी कॉन्टीन्यूस मार्ट। लेकिन जो हमने सोनिक वन पढ़ा था वो कॉन्टीन्यूस और पल्स दोनों मार्ट में अप्लाई हो सकता है, लेकिन सोनिक का 180 जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्टीन्यूस मार्ट में अप्लाई होता है। दिस अलाउज द एनर्जी टू जनरेट टू जेंटली लूजन नेक्रोटिक टिश्यू एंड फाइब्रिन लेयर्स एंड इरीगेशन सॉल्यूशन 0.9% जिसे नॉर्मल सेलाइन भी कहते हैं या फिर रिंगर सॉल्यूशन इज यूज टू ट्रांसमिट द अल्ट्रासाउंड एनर्जी एज वेल एज फॉर दी बोन इरीगेशन। ग्रेनुलेशन टिश्यू इज नॉट नेगेटिवली अफेक्ट सिंस दीज सेल्स रिएक्ट मोर फ्लेक्सीबिलिटी टू द प्रेशर चेंजेस द कैविटेशन प्रोसेस डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। अब कॉन्टैक्ट के हमने दो देखी हैं डिवाइसेस सोनिक वन और सोनोका 180। दोनों का हमने मोड देखा है और उसकी फ्रिक्वेंसी देखी है और साथ ही उनके इफेक्ट्स देखे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट। द मिस्ट थेरेपी सिस्टम ऑपरेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 किलोहर्ट्ज़ इन द कॉन्टीन्यूस मार्ट एंड इन नॉन कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट में हमारे पास मिस्ट थेरेपी आ जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी उन दोनों से ज़्यादा है जो कि हमने कॉन्टैक्ट में पढ़ी थी, जिसकी 40 किलोहर्ट्ज़ है और सिर्फ कॉन्टीन्यूस मार्ट में ही ये यूज़ होता है, जैसे कि हमने सोनोका 180 का पढ़ा है। ये भी लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड डिवाइस है दैट प्रमोट हीलिंग बाय एक्टिवली स्टिमुलेटिंग सेल्स रिड्यूसिंग द बायो बर्डन इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू इमीजिएट ट्रीटमेंट एरिया एंड प्रोवाइडिंग क्लिनिंग एंड जेंटल डिवाइडमेंट। सेकेंड है इसके बाद हमारे पास हो जाता है क्वेस्टिक वोन थेरेपी सिस्टम। ये दोनों वे से यूज हो सकता है, कॉन्टैक्ट सिस्टम भी है और नॉन कॉन्टैक्ट भी, ऑपरेट एट अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 35 किलोहर्ट्ज इन ईदर कॉन्टीन्यूस आर पल्स्ड मोड। दोनों वे से यूज हो सकता है, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट दोनों मोड्स हैं इसके, कॉन्टीन्यूस भी और पल्स्ड भी। फ्रिक्वेंसी जो है वो उन दोनों के दरमियान में लाइक कर रही है, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट के इसकी है 35 किलोहर्ट्ज। इट प्रोवाइड सेलेक्टिव प्रिसाइज एंड जेंटल फ्रेगमेंटेशन ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज विद प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थी टिश्यूज थ्रू द अल्ट्रासोनिक सेपरेशन ऑफ द डैमेज टिश्यूज। दिस क्लीन्स द वुंड एरिया विद लेस प्रेशर एंड पेन, आल्सो इंप्रूव्स द रेगुलेशन फॉर्मेशन ऑफ द ट्रीटेड टिश्यूज। वेरियस क्लिनिकल स्टडीज हैव एवेल्युएटेड दैट द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द लो फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड थेरेपी इन पेशेंट्स विद वैरायटी ऑफ बोन्स इंक्लूडिंग द रिकैल्सिट्रेंट प्रेशर अल्सर्स, क्रोनिक लोअर एक्सट्रीमिटी लेग फुट अल्सर्स एंड डायबिटिक फुट अल्सर्स। अब लास्ट पैराग्राफ में हमें इंडिकेशंस बताती हैं कि लो फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड हम इन इन कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर दी वुंड्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।